हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो एक बहुत बड़े विशाल विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन के बाद हुई थी, जिसे हम आज भी बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये कुछ साइंटिस्टों के थ्रू गलती से इसकी डिस्कवरी कर दी गई थी। हमारा जो अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो 4.5 ईयर्स एगो एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में आए थे। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उस पर सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारे पूरे यूनिवर्स में किसी प्लैनेट पर लाइफ या एलियन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बट कुछ साइंटिस्ट आए जिनके पास ऐसे एविडेंस थे जो ये शो करते थे कि इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, हम ही ऐसे नहीं हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हम ही ऐसे नहीं हैं जो अकेले हैं। हमारा जो यूनिवर्स है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो जिस चीज़ की लिमिट ना हो, जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज़ की सीमा ही ना हो, तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? जो हमारा यूनिवर्स है ना उसके जो घटक हैं, मतलब कि जो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू क्या है, जुड़ी हुई हैं। हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं उनके बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है ना कि उनको हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक यूनिट है जिसको लाइट ईयर्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है मेजर करते हैं। फिर आते हैं यूनिवर्स में जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं। यूनिवर्स में प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल सेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना उनके बीच का, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। यूनिवर्स में सबसे स्पीड में घूमने या रोटेट करने वाली जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है न्यूट्रॉन तारा। ये जो न्यूट्रॉन तारा है ना, इसका कोर इतना ज़्यादा डेंस है यानी कि घना है कि हम अगर इसके कोर में से एक स्पून पदार्थ भी लेना तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली होगा वो होगा 200 बिलियन पाउंड्स उसका वेट होगा। यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे जटिल वस्तु अगर कोई है तो वो है ह्यूमन माइंड, जिसके अंदर अरबों की क्वांटिटी में यानी कि बिलियंस की क्वांटिटी में क्या है, न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। मतलब कि अगर हम यूनिवर्स में दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको जितना समझो उतना कम है, पहला है ह्यूमन माइंड और दूसरा है यूनिवर्स खुद।